नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे HTML के अंदर एरिया टैग के बारे में। एरिया टैग क्या होता है और इनका क्या यूज है HTML के अंदर, हम लोग आज की इस वीडियो में पूरे प्रैक्टिकल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, एरिया टैग बेसिकली क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा पहले जान लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों, अगर आप लोग ये वीडियो मोबाइल में देख रहे हैं या लैपटॉप में देख रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोगों ने नीचे में आप लोगों को सब्सक्राइब बटन दिख रहा था, तो वो एक एरिया के अंदर वहाँ पर बनाया गया है, जिस पर दोस्तों अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो वहाँ पर उसका कलर ग्रे हो जाता है। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो करके देख लीजिए, उसका कलर ग्रे हो जाएगा। तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा, जो लोगों ने क्लिक किया सब्सक्राइब बटन पर, वो एक एरिया के अंदर ही वहाँ पर उसका कलर ग्रे हुआ। इधर उधर जो क्लिक किया उसका कलर ग्रे नहीं हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों, ये जो एरिया बनाया गया है, ये HTML के अंदर बनाया जाता है। जो कि दोस्तों, अगर आप लोग कोई, अगर मान लीजिए आपके पास कोई इमेज है, उसके उस इमेज पे अगर कोई इस साइड में क्लिक करना चाहता है, इस साइड में क्लिक करें तो क्या हो, नीचे में क्लिक करें तो क्या हो, अगर ये आप लोग बनाना चाहते हैं HTML के अंदर, तो ये दोस्तों आप लोग एरिया टैग की मदद से बना सकते हैं। एरिया टैग को दोस्तों बेसिकली यहाँ पे मैप टैग के अंदर यूज किया जाता है, जिसको दोस्तों हम लोग अभी प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो मैंने एक area.html नाम से एक HTML का फाइल बना लिया हूँ। दूसरे तरफ दोस्तों, इस फाइल को मैं गूगल क्रोम के अंदर ओपन कर लिया हूँ। इसी फाइल के अंदर दोस्तों हम लोग एरिया टैग के बारे में जानेंगे। तो एरिया टैग क्या होता है, तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे मेरे डेस्कटॉप के ऊपर, तो यहाँ पर मैंने एक इमेज बनाया हुआ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये इमेज है, इसके अंदर कुछ शेप है, जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, ये शेप है। अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल पे माउस ले जाऊँ, इस पर क्लिक करूँ और कुछ हो जाए, तो जैसे मान लीजिए इस पर मैं क्लिक करूं, किसी दूसरे पेज पर चले जाऊं या किसी दूसरे वेबसाइट पर चले जाऊं, तो दोस्तों हम लोग यहां पे कैसे करेंगे, ये एक ही इमेज के अंदर, जैसे यहां पे सर्कल पे क्लिक करें कोई दूसरे पेज पर चले जाए या दूसरे वेबसाइट पर चले जाए, इस तरीके से दोस्तों आप लोग कुछ काम करना चाहते हैं एक ही इमेज के अंदर, तो उसको दोस्तों आप लोग एरिया वाइज उसको डिफाइन कर सकते हैं HTML के अंदर एरिया टैग की मदद से। तो चलिए दोस्तों, इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं कैसे करना एरिया टैग को। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये बॉडी टैग के अंदर आप लोगों को आ जाना। सबसे पहले दोस्तों हम लोग उस इमेज को यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे, जैसे ये उस इमेज का नाम है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे img.jpg, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे img.jpg इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसके अंदर ये इमेज आ जाएगा आपके HTML फाइल के अंदर। अब दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एरिया टैग को यूज करने के लिए आप लोगों को दोस्तों मैप टैग यूज करना होगा। जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैप टैग को यूज कर लेते हैं, मैप इस तरीके से, और मैप टैग यूज करने के बाद दोस्तों इसके अंदर ही हम लोग एरिया टैग को यूज करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे इमेज हो गया, इसके अंदर दोस्तों हम लोग कर देंगे इस इमेज जो है इसको हम लोग मैप के तरह यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक यहाँ पे एक एट्रीब्यूट आप लोगों को मिलता है यूज मैप, इस तरीके से कर देंगे। इसके अंदर कुछ आप लोग आईडी इसका नाम वगैरह देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इमेज दे देता हूँ img। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस तरीके से हम लोग कर देंगे। अब दोस्तों ये मैप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, मैप के अंदर एक नेम एट्रीब्यूट रहेगा, इसके अंदर दोस्तों जो आप लोगों ने यहाँ पे नाम दिया होगा उसी को दोस्तों आप लोग यहाँ पर भी दे देंगे इस तरीके से। यहाँ पे हैच आप लोगों को नहीं लगाना है, इस तरीके से ये हो गया। अब दोस्तों इसके अंदर हम लोग एरिया टैग को यूज करते हैं, एरिया इस तरीके से, और मैप टैग के बारे में हम लोग अलग से किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है आपका जो शेप है वो किस शेप में है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए img लिख देता हूँ, या दोस्तों आप लोग रेक्टेंगल, सर्कल, ये कुछ भी आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कोड के अंदर आप लोगों को क्या करना है, ये जो शेप है इस शेप का आप लोगों को हाइट विड्थ पिक्सल में आप लोगों को यहाँ पे डालना है। जैसे यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे से इसका यहाँ पे कितना होगा, यहाँ से आप लोग मान लीजिए इस पे काले वाले पे ही क्लिक करवाना चाहते हैं, इधर उधर नहीं करवाना चाहते, तो ऊपर से नीचे और यहाँ इधर से इधर का आप लोगों को हाइट वीट यहाँ पे बताना होगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी आप लोगों को कैसे करना है। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों HRF टैग है, HRF टैग के अंदर आप लोग क्या करेंगे, जैसे दोस्तों यहाँ पे इस इमेज को क्लिक करें, तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये चले जाए यहाँ पे google.com पे, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ www.google.com इस तरीके से, यहाँ पे ये google.com पे चले जाए, इस पर कोई क्लिक करे। इसको हम लोग कैसे करेंगे, कंट्रोल से सेव करते हैं, और यहाँ पे दोस्तों इस इमेज को मैं पेंट के अंदर ओपन कर लेता हूँ। पेंट के अंदर दोस्तों आप लोग आसानी से उसका हाइट वीट यहाँ पे नाप सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसका जो हम लोग एक्स और वाई कैसे नापेंगे, ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जहाँ भी मैं माउस को ले जा रहा हूँ, तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर आप लोगों को कुछ नंबर दिखेगा, एक्स और वाई एक्सेस यहाँ पे दिखेगा।
यहाँ पे जैसे मैं यहाँ इस पे ऊपर ले जाता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते 122 105 दिख रहा है। तो उसी तरीके दोस्तों हम लोग पहले एक्स को नापेंगे, तो एक्स इधर से हो गया, एक्स इधर से होता और वाई इधर से होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हमको करना है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 36 दिख रहा है, थोड़ा सा इधर करते हैं तो यहाँ पे 35 मान लेते हैं, तो 35 पिक्सल यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग 35 कर देंगे, तो यहाँ पे 35 ये हो गया। इसके अंदर आप दोस्तों हम लोग वाई एक्सेस इसका बताना है, तो वाई एक्सेस यहाँ से ऊपर से मैंने आप लोगों को बताया इस तरीके से, यहाँ पर आप लोग देखेंगे 101 दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे 100 पूरा डाल देता हूँ 100 इस तरीके से। अब दोस्तों फिर से कॉमा लगाएंगे, फिर से यहाँ पे हम लोग नापेंगे, तो यहाँ से दोस्तों अब हम लोगों का एक्स कितना यहाँ तक अब हम लोग जाएंगे यहाँ तक, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 180 दिख रहा है, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे 180। और दोस्तों यहाँ पे फिर से पेंट पर जाएंगे और यहाँ से दोस्तों हम लोग इधर से अब इधर यहाँ तक नीचे तक का नापेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, सॉरी यहाँ पे पहले मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो हम लोगों को इधर से जो नापना है इसका जो सेकंड वाला वैल्यू यहाँ पे आ रहा है उसको हम लोगों को करना है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे ऊपर से जो यहाँ पे आ रहा है तो 57 आ रहा है, यहाँ से 58 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोगों को 58 डालना है, तो यहाँ पे मैंने 100 डाल दिया था, तो यहाँ पे हम लोगों को 58 करना है इस तरीके से आप लोग समझ लिए। अब दोस्तों हम लोगों को फिर से यहाँ पे जाना है, यहाँ से अब हम लोगों को यहाँ पे एक्स वाला पहले वाला वैल्यू लिखना है, तो यहाँ पे 180 मैंने ठीक ही लिखा था, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 180 है। अब दोस्तों यहाँ से आप लोग हम लोगों को क्या करना है, इसके दूसरे वाला वैल्यू को हम लोगों को नीचे तक डालना है, तो यहाँ पे 165 दिख रहा है, तो 165 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे यहाँ से कॉमा लगा के इस तरीके से। इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को एक्स वाई फॉर्मेट में यहाँ पे लिखना है, कंट्रोल सी सेव करते हैं और दोस्तों इसको मैं क्रोम में ओपन करता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ फाइल को। अब देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे माउस ले जा रहा हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे हाथ वाला सिंबल आ रहा है, मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसके यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, इधर मैं कर देता हूँ तो नहीं होता है, फिर इधर से नीचे से करता हूँ तो यहाँ से हो जाता है, फिर इधर से क्लिक यहाँ पे ले जाता हूँ तो ये क्लिक करने के लिए कह रहा है, फिर यहाँ से करता हूँ तो यहाँ पे ये हो रहा है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे अच्छी तरीके से ये काम कर रहा है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट के बारे में आप लोगों को बताता हूँ, नेम एट्रीब्यूट के बारे में, तो यहाँ पे नेम डाल देंगे, सॉरी टाइटल डाल देंगे, टाइटल यहाँ पे डाल देंगे और इसके अंदर यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे ये गूगल पे जाने वाला है इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ गूगल इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पे मैं माउस ले जा रहा हूँ तो ये बता रहा है कि ये इस पर क्लिक करोगे तो google.com पे चले जाओगे, तो इस पर मैं एक बार क्लिक ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे URL गलत डाला था google.com का, तो यहाँ पे मैं सही कर देता हूँ इस तरीके से। अब मैं कंट्रोल से इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे बैक जाते हैं और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे इस बार मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये सेव नहीं हुआ, तो यहाँ पे बैक जाते हैं रिफ्रेश करते हैं। और दोस्तों अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे मैं google.com पे जा रहा हूँ। इस तरीके से दोस्तों आप लोग यहाँ पे URL डाल के कुछ भी कर सकते हैं। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास एक और यहाँ पे सेव है जो कि है सर्किल की तरह, इसको हम लोग कैसे नापेंगे, तो इसका दोस्तों बेसिकली एक्स और वाई नापा जाता है, उसके बाद दोस्तों इसका जो रेडियस है वो नापा जाता है, इसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसको करने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसी को यहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं और दोस्तों इसके नीचे हम लोगों को पेस्ट कर देना और इसका आप लोग नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सर्कल दे देता हूँ सर्कल। और दोस्तों इसके कोड के अंदर आप लोगों को यहाँ पे चेंज करना है, तो जैसे मैं यहाँ पे इसके कोड के अंदर आप लोगों को यहाँ पे चेंज करना है, इसको भी आप लोग यहाँ पे पेंट के अंदर नाप सकते हैं। तो अब बात आता है कि दोस्तों ये जो सर्कल वाला है इसको दोस्तों हम लोग कैसे नापेंगे, तो इसको भी हम लोग नापने का इसका कुछ तरीका होता है। जैसे दोस्तों इसका जो नापने का तरीका है दोस्तों इसको हम लोग कैसे नापेंगे, इसका बेसिकली तीन चीजें यहाँ पे लिखा जाता है दोस्तों, एक्स और वाई तो लिखा ही जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे लिखने का यहाँ पे आप लोग 20 से नहीं लिखेंगे, यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे शुरुआत से नहीं लिखेंगे, यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को 20 से लिखना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करके आप लोग इसका जो भी इसका जो एक्स वाई होगा वो आप लोगों को लिखना और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों का इसका जो पूरा रेडियस है रेडियस आप लोगों को निकाल के यहाँ पे डालना होगा। तो कैसे करेंगे ये भी मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ। यहाँ पे चलेंगे पेंट के अंदर, तो इसको जो हम लोग यहाँ पे इसको सेंटर में ले जाएंगे, पहले माउस को एकदम बीच में, यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस तरीके से मैंने बीच पे ले गया, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसका एक्स और वाई यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। एक्स है यहाँ पे 325 और वाई है दोस्तों यहाँ पे 111। इस तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पे एकदम बीच में आप लोग लेके जाएं तो ये अच्छी तरीके से काम करेगा।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 326 और 111। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं 326 और 111 इस तरीके से हम लोग कर देंगे। अब दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, पेंट में जाना और इसका रेडियस निकालना है। रेडियस निकालना भी बहुत ही आसान है। तो इसका जो दोस्तों रेडियस निकालने के लिए आप लोगों का इसका यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करना होगा। कैलकुलेटर का यूज करते हैं हम लोग, यहाँ पे कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूँ। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग देखेंगे इसका जो पहले हम लोग यहाँ पे दूर वाला नाप लेते हैं एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 346 है, 346 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 86 सॉरी। उसके बाद दोस्तों हम लोग इसका यहाँ पे कम वाला नाप है यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे 270 है, तो माइनस हम लोग कर देंगे 270 इस तरीके से। जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पर आप लोग देखें उसको हम लोग यहाँ से दूसरे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये 58 आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसका जो रेडियस निकल के आया ये इसका 58 यहाँ पे इस तरीके से हम लोग डाल देंगे। कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे इस बार URL चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे google.com था, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये हमारा जो एड्रेस टैग है इसी के अंदर जाएगा। एड्रेस टैग वाला ये जो हमारा फाइल है इसी के अंदर ये जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे address tag.html इस तरीके से हम लोग कंट्रोल से सेव कर देंगे। और इसको मैं यहाँ पे से रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे एकदम अच्छी तरीके से ये काम कर रहा है, चारों बगल से अच्छी तरीके से काम करेगा। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। और इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये एड्रेस टैग वाला फाइल के अंदर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जा चुका है। कुछ इस तरीके से दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया रेक्टेंगल और सर्कल वाले में कैसे कर सकते। उसी तरीके दोस्तों यहाँ पर ये वाला जो त्रिकोण वाला और ये स्टार वाला इस पर भी हम लोग करके देख लेते हैं। तो इसको करने के लिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या करके एक बार और इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों इसका जो है ये इसका जो नापने का तरीका है वो बिल्कुल आसान है। इसमें दोस्तों आप लोगों को हर कोने का एक्स और वाई निकाल के यहाँ पे डालना होगा। तो इसको हम लोग कैसे डालेंगे, तो इसके लिए दोस्तों हम लोग चलते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर को बंद कर देता हूँ। इसको हम लोग यहाँ पे चलेंगे पेंट के अंदर, तो इस कोने पर पहले हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसका जो एक्स वाई है 98 और 228 दिखा रहा है, तो यही हम लोग यहाँ पर डाल देंगे 98 228। इसको यहाँ से कोड के अंदर हटा लेते हैं 98, 228 इस तरीके से। फिर से हम लोग जाएंगे पेंट के अंदर और इस बार इस कोने का हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे 161 और 350। तो इसको हम लोग यहाँ पे कर देंगे 161 और 350 इस तरीके से। और यहाँ पे फिर से हम लोग पेंट के अंदर जाएंगे और ये वाला कोने का नाप लेंगे इस तरीके से, यहाँ पे 35 और 351 इस तरीके से। कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे दोस्तों हम लोग रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस तरह अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है। दोस्तों हम लोग इसको नापते हैं, इसके लिए भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे एक बार। इसका भी हर कोने का एक्स और वाई आप लोगों को निकाल के लिखना है। तो यहाँ पर पहले इस कोने से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर एक्स हो गया, इसका एक्स वाई लिखेंगे, फिर यहाँ पर 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 इसका एक्स वाई लिखेंगे। इसी तरीके से दोस्तों आप लोगों को हर कोने का यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। इसके लिए भी चलेंगे पेंट पे, सबसे पहले इसको हम लोग पकड़ते हैं, तो यहाँ पे है 326 और 222, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 326 और 222 इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे इसका करेंगे 343 271। तो इस तरीके से देखेंगे तो दोस्तों हर कोने का एक्स वाई यहाँ पे हम लोग डाल देंगे। इस तरीके दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे काम हो जाएगा। कंट्रोल से सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस तरीके से ये अच्छी तरीके से यहाँ पे ये काम कर रहा है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एरिया टैग समझ में आ गया होगा। आगे के HTML के वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।